अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। अंतर्मुखी बनकर प्रभु चिंतन करने से जीवन यात्रा सहज हो जाती है। क्रोध अनेक बीमारियों की जड़ है, शांति सर्वश्रेष्ठ औषधि है। सादा भोजन, उच्च विचार, स्वस्थ तन मन के आधार। दूसरों की भूलों का अनदेखा करना और अपने मान सम्मान का त्याग कर सरलता से क्षमा करना, यही नम्रता है। होंठों पर मुस्कान हर मुश्किल कार्य को आसान बना देती है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। ऐसे खुशनुमा बनो जो अंदर की खुशी चेहरे पर दिखाई दे। कितना धनी हूं मैं, सारी दुनिया जिनसे मांगती है मेरे नसीब में है वो। जब से मुझे ये यकीन हो गया कि परमात्मा मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ है।